टेक चार्जेस हफ्ता भले ही खत्म होने जा रहा हो लेकिन टेक अपडेट्स आने में कोई कमी नहीं है क्योंकि इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर को बहुत सफर करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जियो 5G का एक और स्मार्टफोन पर हो गया है सपोर्ट एक्सटेंड और भी बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। तो बस मेरे साथ लास्ट तक देखिए आज का बुलेटिन। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जियो 5G के बारे में। इसका सपोर्ट एक और स्मार्टफोन पर एक्सटेंड हो चुका है। OnePlus Nord सीरीज पर दे दिया है कंपनी ने सिक्योरिटी पैच के साथ में OTA अपडेट जिसके बाद जियो 5G को अब स्मार्टफोन यूजर्स यूज कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ये फोन है तो फटाफट से अपडेट इंस्टॉल कर लीजिए। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर BSNL ने अपने ब्रॉडबैंड कस्टमर्स के लिए एक प्लान लॉन्च किया था 775 रुपए का जिसमें कि 2000 GB हाई स्पीड डेटा मिल रहा था। अब ये प्लान होने वाला है बंद 15 नवंबर को। तो अगर आपको अभी भी ये प्लान परचेज करना है तो आप इस डेट से पहले परचेज कर लीजिए ताकि आपको जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स है वो मिल सके क्योंकि इसके बाद तो ये मिलेगा नहीं। किसी एक इंसान की सनक सिर्फ उसी को परेशान नहीं करती बल्कि कभी कभी बड़े बड़े ब्रांड भी इसकी चपेट में आते हैं। ट्विटर के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। इलॉन मस्क के बड़बोलेपन को लीजिए या उनकी कॉम्पिटिटिव शख्सियत को, लेकिन कार कंपनी जो कि अब तक ट्विटर पे अपने एड्स चला रही थी अब वो पेड एड्स उन्होंने पॉज कर दिए हैं या पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, जिनमें कि अब तक तो सिर्फ जनरल मोटर्स या फिर ऑडी का नाम सामने आया था लेकिन अब वॉक्सवैगन ने भी इन दोनों कंपनियों को फॉलो कर दिया जिसमें कि बहुत सारे बड़े ब्रांड शामिल है उसने अब अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। टेम्पररी फिलहाल है, आगे चल के देखते हैं क्या और नोटिस कुछ आता है। इसी साल दिसंबर में IQ लाने वाला है चाइना में IQ 11 सीरीज दो फोन के साथ। एक्सपेक्ट किया जा रहा है IQ 11 और IQ 11 प्रो। इन दोनों फोन में मिल सकती है चार्जिंग कैपेबिलिटी 200 वॉट की और भी कमाल के स्पेसिफिकेशन टिप हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कल ही मैंने आपको बताया था कि ओप्पो भी 240 सुपर वूक चार्जिंग के साथ में नया फोन 2023 में लाने वाला है। वियरेबल डिवाइसेस की अगर बात हो तो उसमें टॉप ब्रांड्स में सबसे ऊपर नाम आता है गर्मिन का। इसके दो एक्सक्लूसिव स्टोर इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, एक दिल्ली और दूसरा पुणे में। लेकिन कंपनी ने अपना नया एक्सपीरियंस स्टोर आज लॉन्च कर दिया जो कि इंडिया का पहला एक्सपीरियंस स्टोर होगा बैंगलोर में, जहां पर कि यूजर जाकर वहां के प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस भी कर सके जैसे कि एप्पल के लगभग एक्सपीरियंस स्टोर्स में देखने को मिलता है। कंपनी की और भी तैयारी है कि आने वाले साल में तकरीबन 7 से ज्यादा ये एक्सपीरियंस स्टोर इंडिया में ओपन किए जाए। भारत में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का मापदंड तय होता है ISI मार्क से। आपने सुना होगा पिछले कुछ महीनों में CCPA ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर भारी भरकम जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने नॉन ISI मार्क प्रेशर कुकर कस्टमर्स को बेच दिए थे। अब बारी है उसके सेलर की। तो Amazon के बेस्ट सेलर्स में से गिने जाने वाले क्लाउड टेल को तकरीबन 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके साथ ही जो दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है उनकी भी अभी छानबीन की जा रही है। और आखिर में बात करते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन सेल्स के बारे में। आपको याद होगा फेस्टिव सीजन सेल स्टार्ट होते ही ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर सैमसंग ने पहले ही दिन ताबड़तोड़ सेल कर डाली थी। अब पूरा फेस्टिव सीजन कंप्लीट होने के बाद क्या आपको पता है सैमसंग ने कितने स्मार्टफोन बेच दिए? तकरीबन 14,400 करोड़ रुपए के, जिसमें कि 178% का उछाल देखने को मिला है ईयर टू ईयर अगर बात की जाए पिछले फेस्टिव सीजन से इस फेस्टिव सीजन की कंपेयर करके। तो सैमसंग ने इंडियन मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ हासिल की है क्योंकि 5G फोन्स की इस समय डिमांड भी मार्केट में बढ़ चुकी है। बाकी दोस्तों आपने कौन सा फोन इस फेस्टिव सीजन में परचेज किया है नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बाकी दोस्तों ये बुलेटिन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह के कमाल वीडियो से आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।